बोकारो जिलेवासियों को जल्द मिलने जा रहा है 500 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। इसके लिए आज सीईओ अमरेंद्र प्रकाश, विधायक बिरची नारायण व एम्स दिल्ली के सीनियर डॉक्टर महजिद अहमद तालीकोटी ने संयुक्त रूप से ईटा रखकर विधिवत भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया। सीईओ अमरेंद्र प्रकाश ने कहा है कि स्वास्थ्य सुविधा देना हमारी प्राथमिक जरूरत है। यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही जमीन सहित अन्य कागजी कार्रवाई को पूरा किया है। वहीं डॉक्टर तालीकोटी ने कहा कि यहाँ अस्पताल खुलने से यहाँ के स्थानीय लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट, न्यूरो, कैंसर जैसी बीमारियों के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। बेहद सस्ते दर पर यहाँ पर सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर बेसमेंट बनकर तैयार हो जाएगा व 3 साल के अंदर बिल्डिंग पूर्ण रूप से खड़ी हो जाएगी। 2023 में मेरिकांत सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल पूर्ण रूप से काम करने लगी गई। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए 100 बेड का आईसीयू निर्माण किया जाएगा। विधायक बिरची नारायण ने कहा कि उनका हार्दिक तमन्ना थी कि बोकारो में एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण किया जाए। इस दिशा में कोई भी कदम बोकारो स्टील प्लांट का हो या प्राइवेटली हो, जैसे डॉक्टर माजिद हमारे साथ हैं जी, डॉक्टर माजिद ने अगर ये कदम उठाया है तो इस तरह के सारे कदमों की हम प्रशंसा करते हैं और हम चाहते हैं कि बोकारो और इसके आसपास के सारे लोगों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं पैदा हो। बोकारो की सुविधाओं का हम हमेशा स्वागत करेंगे। बोकारो जनरल अस्पताल में क्या क्या सुविधा बढ़ाएंगे आप, इस तरह का अब तो चुनौती भी आ रही है आपके सामने। स्वास्थ्य कभी भी चुनौती नहीं है, हम स्वास्थ्य को केवल बिजनेस की तरह से नहीं देखते हैं, स्वास्थ्य हमेशा लोगों के लिए है और लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले इसके लिए हम हमेशा। बोकारो जनरल अस्पताल में भी हम काफ़ी सेवा करते हैं, आप जानते हैं कि पूरे इलाके में बोकारो जनरल हॉस्पिटल ने सभी लोगों को, ना केवल बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारियों को बल्कि बोकारो के आसपास के रहने वाले नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है बोकारो जनरल अस्पताल। और भी अस्पताल बनेंगे और कॉलेज आएंगे, जितनी अच्छी सुविधाएं आएंगी उतना ज़्यादा बोकारो और आसपास का विकास होगा, यही हमारी कामना है, यही हमारी शुभेच्छा है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इनिशियली जो पहला जो 150 बेड का जो हॉस्पिटल, जो चार विंग, चार फ्लोर जब फंक्शनल रहेंगे, उसकी जो लागत होगी लगभग 150 से 200 करोड़ की होगी। और जब आपका ये 250 बेड का बनेगा लगभग 300 करोड़ की लागत होगी। और जब ये पूरा 500 बेड का बनेगा ये 500 से 600 करोड़ होगा। और उसके बाद जो थर्ड फेज हमारा जो है, फाइनल फेज जो होगा, वो आपका हो जाएगा अराउंड 5 to 6 years। झारखंड में यह अस्पताल किस तरीके से अन्य अस्पतालों से भिन्न होगा, अलग होगा? देखिए, मेन चीज़ क्या, अस्पताल तो बहुत बनते हैं। इसमें जो मेन चीज़ ये रहेगी कि देखिए, या तो अगर आप रांची की बात लें या दिल्ली की बात लें या मुंबई की बात लें, आपको 100 हॉस्पिटल मिलेंगे एक पूरे सिटी में। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हॉस्पिटल है वो भी गवर्नमेंट और स्टील प्लांट का, कोई ऐसा बड़ा इस तरह का हॉस्पिटल है ही नहीं, तो वैसे ये अलग हो गया। ये जो लोकेशन है बोकारो का, आप देखेंगे यहाँ से वेस्ट बंगाल, आप बंगाल ले लें आप, या आप यूपी ले लें, या आप जो नियर बाय स्टेट्स हैं, और जितने भी स्टेट्स यहाँ से लगे हुए हैं, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं जिनकी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो फ़्लाइट पकड़े और वहाँ पे पहुँचे। वो मुझे इतना पता है कि वो गाड़ी में बैठ के यहाँ तक आसानी से आ सकते हैं। और जो केयर उनको जो मिलेगा वो वही मिलेगा जो US में मिलेगा, वही मिलेगा जो दिल्ली में मिलेगा, वो केयर उस तरह से, ये उस तरह से भी ये अलग हो गया। तीसरी तरह हमारा जो मेन विजन है टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर एट एन अफोर्डेबल प्राइस एट द डोर स्टेप। आप मान के चले कि कोई भी हमारे पास से अगर वो ठीक हो सकता है, क्यूरेबल स्टेज में है, तो वापस नहीं जाएगा। हम ये इंश्योर करेंगे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीके से इनका इलाज हो और वो यहाँ से ठीक ठाक इलाज होके जाएं। देखिए, हमेशा इंसान जब पैदा होता है तब वो हॉस्पिटल में पैदा होता है, जब वो बीमार पड़ता है जैसे कोविड वोविड वो अस्पताल आता है, और जब मरने के लिए ज़्यादा सीरियस तब भी वो अस्पताल आता है। लेकिन हम सब के अंदर एक कॉमन मेंटालिटी है कि हम घर अच्छा बनाएंगे, गाड़ी बढ़िया लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने एरिया और लोकेलिटी में एक अस्पताल अच्छा बने इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, अस्पताल है ना, हम जो क्या कर रहे हैं कि आप बीमार होने से पहले पहले हम वो फैसिलिटी को एक प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, एक कोशिश है। और आप देख रहे हैं कि कोशिश पूरी हो गई है। वी हैव एक्वायर्ड द लैंड, हमने अच्छी तरह से उसकी प्लानिंग की है, वी हैव द बेस्ट आर्किटेक्ट डिज़ाइन, एंड वी हैव द
बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज विच आर टू बी इक्विप्ड इन दैट वे. तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए मोटा मोटा जो प्लानिंग है ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल क्लास के हॉस्पिटल के लेवल की हो. डॉक्टर साहब एक चीज़ है कि यह माना जाता है कि प्राइवेट अस्पताल मतलब महंगा अस्पताल, महंगी चिकित्सा व्यवस्था, गरीबों का वहाँ पर कल्याण नहीं होना है. आप किस तरीके से गरीबों के देखिए आप जैसे कि आज आप रेडिएशन के लिए आप दिल्ली जा रहे हैं या कलकत्ता जा रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, आपका जो खर्चा जो होता है ना, दो चीज़, एक तो मेंटल ट्रॉमा हो जाता है आपको उधर जाना है, दूसरी चीज़ आपका ये हो जाता है कि इतने पैसा जो है हम कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, रहने का, खाने का, वाने का सब खर्चा आएगा. जब आप यहाँ पे रहोगे तो यहीं पे जो है ना आपका ये हो जाएगा, है ना, मतलब ये सारी चीज़ें आपका खर्चा, जो खर्चा 1.5-2 लाख का आपका, वो तो ऐसे ही बच जाएगा आपके घर के पास. और फिर रही बात, इतने सारे इंश्योरेंसेस हैं, हेल्थ स्कीम्स हैं, और हॉस्पिटल की अपनी एक पॉलिसी रहेगी कि कोई हमारे पास से वापस नहीं आ सब. आज है नया अध्याय. मैं बोकारो की महान जनता का बहुत आभारी हूँ, इन्होंने मुझे बोकारो की जनता के सेवा का अवसर दिया था. 2015 में ही मैंने संकल्प लिया था कि बोकारो को आगे बढ़ाने के लिए दो प्रमुख चीज़ें, एक तो एयर कनेक्टिविटी और दूसरा हेल्थ कैसे दी जाए. मैं डॉक्टर ताली कोटी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, और आज 5वां साल है लगभग, 2.5 साल के अंदर 150 बेड ऑपरेशनल हो जाएगा, और 500 बेड का यह मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें सिर्फ कैंसर नहीं बल्कि हार्ट के, किडनी के, कई असाध्य रोगों का इलाज यहाँ पर कम से कम पैसे में हो, इसके लिए मैंने डॉक्टर ताली कोटी से आग्रह किया है, और उन्होंने भी मुझे वचन दिया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का भी यहाँ इलाज होगा. विधायक जी आप चिंता मत करिए, मैं नवरात्र के समय में, आज विजयादशमी का दिन है, माता का दिन है, और मैं माता से प्रार्थना करता हूँ कि हेमा डॉक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे, ताकि निश्चित समय सीमा में अस्पताल शुरू हो और यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले.